अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेलो चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टार्ट उर्दू मीडियम लेसन्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, माय इंग्लिश बुक 3, थर्ड स्टैंडर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट 1. Listen carefully, look into your book and say with me. गौर से सुनो, किताब में देखकर मेरे साथ साथ दोहराओ। बच्चों, अब हम यहाँ पर इस तस्वीर को देखो, आप यहाँ पर अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिया इन द विलेज, ठीक है, ये जो गांव है उसके अंदर एक लड़की है जिसका नाम है प्रिया। हम प्रिया के बारे में देखेंगे। Hi, I am Priya. I live in a small village. There are many houses in our village. The houses are close together. There are small lanes between the house. There are many plants and trees around the houses. देखो, अब यहाँ पर बोल रही है, हाय, मैं प्रिया हूँ, ठीक है। वो एक लड़की है जो गांव में रहती है, उसका नाम प्रिया है। तो वो क्या बोलती है कि मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। देर आर मैनी हाउसेस, उनके गांव में बहुत सारे घर है। कहाँ पर? गांव के अंदर बहुत सारे घर है। द हाउसेस आर क्लोज टुगेदर, हर सब जो घर है बने हुए वो कैसे आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, मिलकर है, ऐसे दूर नहीं है, ऐसे पास पास में मिलकर हैं। देर आर स्मॉल लेंस बिटवीन द हाउसेस, और घर के बीच में क्या है, घरों के बीच में लेन यानी गली है, गली है ऐसी बनी हुई छोटी छोटी गलियाँ। देर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, और उनके गाँव में बहुत सारे पौधे और पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, हरे भरे। ठीक है बच्चों, उनके गांव में पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं और उनके घर के एतराफ में लगे हुए हैं वो पेड़ सारे। दाजी काका इज़ अवर नेबर, ही कीप काउज एंड बफेलोज। ये जो बूढ़ा है उसका नाम है दाजी काका, तो वो प्रिया के पड़ोसी हैं। क्या है वो? प्रिया के पड़ोसी, नेबर्स यानी पड़ोसी। ही कीप कॉज एंड बफेलोज, वो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इस तस्वीर में, यहाँ पर गाय और वो भैंस क्या करते हैं, रखते हैं अपने पास पालने के लिए। ही मिल्क्स देम एवरी डे, वो जो भैंस और गाय वो उनको क्या करते हैं, रोज़ दूध देते हैं। वी बाय मिल्क फ्रॉम हीम, और ये जो प्रिया है वो क्या करती है, उनसे रोज़ दूध खरीदती है। देखो यहाँ पर आपस में वो लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और दाजी काका जो है वो क्या कर रहे हैं, दूध वो प्रिया को दे रहे हैं, लड़की को। इट्स नाइस एंड फ्रेश एंड वॉर्म, तो वो बोल रही है वो दूध जो है बहुत ही ताज़ा है और गर्म होता है। जब वो एकदम से निकालते हैं दूध तो वो कैसे होता है, एकदम ताज़ा और फ्रेश और एकदम नाइस होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने अब देखा गांव में प्रिया के बारे में और उसके गांव के बारे में। ठीक है, नेम द थिंग यू सी इन द पिक्चर, तस्वीर में नज़र आने वाली चीज़ों के अंग्रेजी नाम बोलो। तो यहाँ पर बहुत सारी तस्वीर, ये तस्वीर में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं बच्चों, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में उस तस्वीर का नाम बोलना है। जैसे कि देखो यहाँ पर ऊपर एक बिल्ली सो रही है, तो वो क्या है, कैट है। और यहाँ पर झाड़ लगे हुए हैं तो उसको ट्रीज बोलेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर बफेलोज हैं, और यहाँ पर गाय कॉ है, फिर यहाँ पर गर्ल है, बॉय है। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों खेल रहे हैं, और यहाँ पर हाउस है, हाउसेस। ठीक है, ये सब क्या है चीज़ें, हमें इंग्लिश में आपको बतानी है बच्चों। अब हम देखेंगे रिया इन द सिटी। लिसन केयरफुली, लुक इन टू योर बुक एंड से विथ मी।
गौर से सुनो, किताब में देखकर मेरे साथ साथ दोहराओ। अब बच्चों यहाँ पर ये तस्वीर है। अब हमने गांव के बारे में देखा, अब हम शहर के बारे में देखेंगे। यहाँ पर रिया है, रिया इन द सिटी, ये शहर में है। ये शहर की तस्वीर है। यहाँ पर शहर में रिया नाम की लड़की के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। हाय, आई एम रिया। आई लिव इन अ बिग सिटी। देर आर बिग बिल्डिंग्स एंड वाइड रोड्स इन अवर सिटी। बसेस, कार्स, बाइक्स, देयर्स अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इन द सिटी। देखो अब रिया क्या बोल रही है। हाय, मैं रिया हूँ। मैं एक बहुत बड़े सिटी में रहती हूँ, यानी बहुत बड़े शहर में रहती हूँ। देर आर बिग बिल्डिंग्स, और हमारे शहर में क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। और एंड वाइट रोड्स इन अवर सिटी, तो उनके यहाँ पर क्या है, सिटी में, शहर में बहुत बड़े बड़े, वाइड यानी चौड़े और बड़े क्या है, रास्ते हैं, ठीक है। और बसेस, कार्स एंड बाइक्स, तो उनके सिटी में बस, कार, बाइक्स भी क्या है, रास्ते पे बहुत सारे हैं। देयर्स अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इन द सिटी, और उनके जो रास्ते में हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों अब हम रास्ते में जाते हैं तो ट्रैफिक होता है ना, सिग्नल्स पे, ऐसे बस वगैरह सब, रिक्शा वगैरह गाड़ियाँ रुकती हैं, वैसे ही यहाँ पर इसके सिटी में क्या है, ट्रैफिक होता है। देर इज अ डेयरी नियर माई हाउस। ये जो रिया है उसके घर के पास क्या है, एक डेयरी है। डेयरी यानी वहाँ पर दूध, दही, ठीक है, जो भी चीज़ मिलती है ना, दूध वाली चीज़ें, तो उसको डेयरी कहते हैं। वी बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी। तो ये जो रिया है वो डेयरी यानी जो दूध है वो कहाँ से खरीदती है, डेयरी के दुकान में से खरीदती है। वी गेट द मिल्क इन अ पाउच। तो वो लोग कैसे दूध हासिल करते हैं, एक पाउच में, यानी जो प्लास्टिक का जो पाउच होता है, तो उसमें दूध वो लोग लेते हैं खरीद कर, प्लास्टिक वाला दूध, ठीक है। इट्स नाइस एंड एज कोल्ड एज आइस। वो क्या है, दूध बहुत अच्छा रहता है और वो आइस के जैसा, बर्फ के जैसा ठंडा होता है, ठीक है। नेम द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। अब आपको यहाँ पर तस्वीर में देखकर, तस्वीर में नज़र आने वाली चीज़ों के अंग्रेजी नाम बोलना है, ठीक है। तस्वीर में देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें इंग्लिश में उसके नाम बोलना है, जैसे कि साइकिल, गर्ल, बॉय, रिक्शा, बस, कार, ठीक है। और क्या नज़र आ रहा है हमें, बिल्डिंग, ठीक है, और रोड। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, देखो शॉप्स है बहुत सारे, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या नज़र आ रहा है बच्चों, गौर से देखो, एरोप्लेन भी है यहाँ पर। फिर उसके बाद पुलिस है, देखो ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप इसको पहचान सकते हैं। डॉग भी है, DOG डॉग। पीजन यानी, पीजन को हम क्या बोलेंगे, कबूतर बोलेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, प्रिया इन द विलेज, ठीक है। अब वापस से हम गांव के बारे में देखेंगे, गांव की प्रिया के बारे में। लिसन केयरफुली, लुक इनटू योर बुक एंड से विथ मी। गौर से सुनो, किताब में देखकर मेरे साथ साथ दोहराओ। आपको बच्चों सुनकर गौर से क्या करना है, मेरे साथ दोहराना भी है, या आपको पढ़ना भी है, ठीक है। अब देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम गांव के अंदर के बारे में पढ़ रहे हैं। देर इज अ ग्रॉसरी शॉप नियर माई हाउस, ठीक है। ग्रॉसरी शॉप का मतलब होता है किराने की दुकान, ठीक है, जहाँ पर चावल, दालें, जो भी हम खाने की चीज़ें हमारी, जैसे कि तेल है, साबुन है, चीज़ें जो हम किचन में बनाते हैं बच्चों, उसको ग्रॉसरी शॉप कहते हैं। तो प्रिया बोल रही है, देर इज़ अ ग्रॉसरी शॉप। उनके घर के करीब में एक किराने की दुकान है। देर वे बाय ग्रेन्स, ऑयल, सॉल्ट शुगर, बिस्किट्स एंड मैनी अदर्स थिंग, कैन यू नेम देम। अब देखो यहाँ पर वो बोल रही है कि हम लोग वहाँ से बहुत सारे चीज़ें खरीदते, जैसे कि द
मसाले हैं, तेल है और सॉल्ट यानी नमक है, शक्कर है, बिस्किट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या तुम उसके नाम बता सकते हो मुझे? कैन यू नेम देम? तो यहाँ पर दुकान में बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, देखो आप बता सकते हो, जैसे कि ऑयल है, सोप है, ठीक है, फिर उसके बाद में झाड़ू है, वहाँ पर चावल है, गेहूँ, ऐसे हमें पहचानना है बच्चों। आप भी देखो इस तस्वीर में, आई एम इन स्टैंडर्ड 3। तो ये जो लड़की है प्रिया, वो कौन से स्टैंडर्ड में? 3 स्टैंडर्ड में, यानी तीसरी जमात में है वो। आई वॉक टू स्कूल, वो कैसे जाती है स्कूल को? पैदल जाती है। वी लर्न मराठी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड स्टडी अवर इन्वायरमेंट इन स्कूल। तो वो क्या बोल रही है, हम क्या पढ़ रहे हैं स्कूल में? मराठी, इंग्लिश पढ़ते हैं वो लोग, फिर मैथमेटिक्स हिसाब पढ़ते हैं, और वो क्या करते हैं, उनके माहौल के हिसाब से पढ़ाई करते हैं उनके स्कूल में, ठीक है। आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज कॉल्ड माई इंग्लिश बुक 3। तो इनके इंग्लिश बुक की नाम क्या है? वो है माई इंग्लिश बुक 3, जो हम भी तीसरी जमात में पढ़ रहे हैं। हमारी इंग्लिश जमात की किताब का नाम क्या है? माई इंग्लिश बुक 3, ठीक है। ये लोग भी, प्रिया भी यही पढ़ रहे हैं बुक को। नेम अ फ्यू थिंग्स यू सी इन द पिक्चर ऑन पेज 10 एंड 11। सफ़ा 10 और 11 की तस्वीरों में नज़र आने वाली चीज़ों के अंग्रेज़ी नाम बोलो। आप देखो यहाँ पर सफ़ा नंबर 9 और 10, आपको ऐसे ही करके 9 और 10 का क्या करना है, नाम बताना है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, एक तस्वीर में विलेज है और एक तस्वीर में सिटी है। तो सिटी में तो मैंने आपको बता दी नाम क्या है, बस है और साइकिल है, कार है, बाइक है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही अब हमने यहाँ पर भी देखे विलेज की तस्वीर में, जैसे कि ऑयल है, हाउस है, कैट है, स्कूल है, रोड है, देखो ट्रीज है लगे हुए। तो ऐसे करके आपको भी इन तस्वीरों में देखकर नज़र आने वाली चीज़ों के अंग्रेज़ी में यानी इंग्लिश में आपको नाम बताना है, ठीक है। अब देखेंगे हम रिया इन द सिटी 2, ठीक है। अब वापस से रिया के बारे में पढ़ेंगे हम, सिटी के अंदर मतलब शहर के अंदर की जो लड़की है उसके बारे में। लिसन केयरफुली, लुक इन टू योर बुक एंड से विथ मी। अब गौर से सुनो बच्चों, आपको किताब में देखकर मेरे साथ साथ दोहराओ आप, ठीक है। देर इज अ ग्रॉसरी शॉप नियर माई हाउस। अब यहाँ पर भी इनके सिटी के अंदर इनके घर के पास क्या है, किराने की दुकान है। देर वी बाय ग्रेन्स, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, बिस्किट्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो ये लोग भी वहाँ से क्या खरीदते हैं, बहुत सारी दालें, चावल वगैरह, फिर ऑयल, ठीक है, ऑयल का मतलब तेल है, नमक है, शक्कर है, बिस्किट, ये लोग भी खरीदते हैं। कैन यू नेम देम, क्या तुम इसके नाम बता सकते हो? जैसे कि राइस है, और फिर उसके बाद में सोप है, ऑयल्स है, पैराशूट ऑयल जो हम बाल को लगाते हैं, खाने का तेल है, मिल्क है, देखो यहाँ पर जूसेस लगे हुए हैं, ठीक है, इतने सारे नाम हैं। तो वो हमें बोलती है, कैन यू नेम देम, क्या तुम नाम बता सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे, आई एम इन स्टैंडर्ड 3। जो ये रिया है बच्चों, जो सिटी में रहती है, वो भी कौन से क्लास में है? स्टैंडर्ड 3 यानी तीसरी जमात में ही है। आई गो टू स्कूल माई बस। तो ये लड़की कैसे जाती है स्कूल को? बस से जाती है, देखो इनकी स्कूल की बस है, उसमें जाती है वो। वी लर्न मराठी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड स्टडी अवर इन्वायरमेंट इन स्कूल। तो ये लड़की भी क्या पढ़ रही है, रिया तीसरी जमात में पढ़ रही है, वो क्या पढ़ाई करती है, मराठी पढ़ती है स्कूल में, क्लास में इंग्लिश पढ़ती है, हिसाब पढ़ती है मैथमेटिक्स की, और क्या करती है वो, उसके माहौल के हिसाब से पढ़ाई करती है स्कूल में। उसका माहौल कैसा है, सिटी का माहौल है, शहर का माहौल है। तो आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज़ कॉल्ड माई इंग्लिश बुक 3। तो इनकी भी इंग्लिश बुक का नाम क्या है,
माई इंग्लिश बुक 3 जो हमारी किताब से हम पढ़ रहे हैं, ये भी उसी के उसके स्कूल में पढ़ाई जाती है बच्चों। चूज एनी वन पैराग्राफ फ्रॉम पेज 8 and 11 प्रेजेंट इन द क्लासरूम। सफ़ा 8 to 11 के किसी एक हिस्से का इंतखाब करो। जमात में इस हिस्से को ज़बानी सुनाओ। सफ़ा नंबर 8 से जो 11 नंबर का सफ़ा है, ठीक है, ये आखिरी सफ़ा है 11 नंबर, तो हमें एक पैराग्राफ क्या करना है, चूज़ करना है। पैराग्राफ यानी ये जो दिख रहा है ना छोटा छोटा लिखा हुआ, और उसको हम क्या करेंगे, जमात में इस हिस्से को ज़बानी सुनाएंगे। इसको हम याद करके इसको हमें ज़बानी सुनाना है एक दूसरे को आपस में। आप अपने घरों में भी सुना सकते हो अपने सहेलियों के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ आप इस पैराग्राफ को ज़बानी बता सकते हो पढ़ के।